हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है हमारा 3.3 और चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और आप लोगों का दो केस भी दे रखा है। पहले केस में आप लोगों को क्या दे रखा है, ए प्लस बी मैट्रिक्स आप लोग सिंपल निकाल लो, उसका ट्रांसपोज कर दो और फिर इक्वल्स टू है हमारा ए मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करो, फिर बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, फिर हमें प्लस कर दो। तो मैं इसका आप लोगों का सॉल्यूशन दिखा देता हूं। पहले केस में आप लोगों को बोल रखा है ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाल लो, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस करके दिखा देता हूं। तो ये आप लोगों का आ जाएगा -5 एंड 6, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का -1, उसके बाद 3, उसके बाद आएगा आप लोगों का 9 और आप लोगों का आएगा 4, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे -2 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, ये आप लोगों का ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाने वाला है। अब इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज कर देंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रो और कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है। तो रो और कॉलम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रो को पहला यहाँ पे कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को यहाँ पे दूसरा कॉलम बना देंगे और तीसरे रो को हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कॉलम यहाँ पे बना देंगे। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो पहले आप लोगों को ए डैश निकालना है, तो ए डैश के लिए आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना है पहले। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देता हूं डायरेक्ट, तो ये आप लोगों का ट्रांसपोज होने वाला है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आप लोगों का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और अब मैं लिख रहा हूं बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आप लोगों का बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने वाला है। अब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो -1 -4 -5 2+1 3 3+ सॉरी 3 -5 तो -2 5+1 6 7+2 9 9+0 9 -1+1 -1 1+3 4 1+1 2। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप लोग देखो और इस वैल्यू को आप लोग देखो, RHS ये है आप लोगों का और ये आप लोगों का LHS है, तो ये दोनों वैल्यू आप लोगों का इक्वल है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट था वो आप लोगों का इक्वल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, आप लोगों का सेकंड केस में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स करो, उसका ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स है उसका आप लोगों का क्या आ जाएगा, LHS मैं पहले निकाल रहा हूं, तो LHS में आप लोगों का आएगा 3 और फिर आप लोगों का 4, उसके बाद आप लोगों का ये मैं निकाल रहा हूँ ए माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। 3 4 एंड -3, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद -2, उसके बाद आप लोगों का आएगा 8 और 9 और 0, ये आप लोगों का ए माइनस बी का आ जाएगा। अब इनको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आप लोगों का ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज होने वाला है ये, ठीक है। ओके, अब हम लोग राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप लोगों को ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज दे रखा है, तो मैंने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मैंने पीछे लिख दिया है, तो उसी को मैं माइनस कर देता हूं एक बारी, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, 3 और यहां पे आप लोगों का आएगा 1, यहां पे आप लोगों का आएगा 8 और 4, फिर 5
फिर 9 एंड 3 माइनस 2 और 0, ये आप लोगों का आ जाने वाला है RHS राइट हैंड साइड। तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था वही हमने प्रूफ भी कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ लेना।